सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, जैसे मैं अच्छी सी हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है वीकेंड, तो आज वीकेंड है तो वीकेंड का मतलब थोड़ा लेट उठो, मस्ती से आराम से उठो। तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि आप कपड़े देख के बोल बोल ही सकते हो कि मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ घर के सारे काम करूँ, फिर कुछ करूँ मैं, और पीहू भी स्कूल चली गई है, नवीन भी चले गए हैं। उन लोगों का वीकेंड नहीं है, उन लोगों का वीकेंड कल है, तो दोनों लोग चले गए। वीकेंड तो मेरा भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा रिलैक्स आज मिलता है मुझे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है मुझे आज। हमारा काम हो गया एंड पीहू भी आ गई एग्ज़ाम देकर, और वो बैठ के मोबाइल देख रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में डाटा करो इसको कि मोबाइल कम देखा करें। अब मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई, और कुछ गेस्ट आने वाले हैं घर में, तो उनके लिए मैं पकौड़े और बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ। अभी आधे घंटे में आएंगे वो लोग, मेरी आंखें आधे और 1 घंटे में आएंगे। सो पकौड़े और चाय, क्योंकि ठंडियों का मौसम है तो पकौड़े अच्छे ही लगेंगे, एंड बेसन का हलवा, क्योंकि बिस्किट तो नॉर्मल सा रहता है, तो मैंने बोला बेसन का हलवा बना देती हूँ और पकौड़े चाय बना देती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मिलते हैं। ये मैंने बनाया बेसन का हलवा, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है पकौड़े तलने के लिए, जिसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये आलू गोभी की है और ये प्याज के पकौड़े हैं। तो मैं यही आज कर रही हूँ, बेसन की हलवा प्याज के पकौड़े जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए बना रही हूँ। बिकॉज बिस्किट और नमकीन तो क्या है, नॉर्मल से हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी सी वो लोग के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा अलग से करती हूँ। सो मैंने बेसन का हलवा और पकौड़े बना रही हूँ। हाँ, बट वो ब्लॉग में नहीं आएंगे, मैं पहले भी बोल रही थी, हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहते हैं, तो मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ कि हाँ मेरी व्यू बढ़े, जिसकी वजह से मैं उनको ज़बरदस्ती ब्लॉगिंग नहीं, जिसको इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसको नहीं चाहते सोशल मीडिया पर आना, सो मैं उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हूँ कि नहीं आप आओ ब्लॉग में मेरे यहाँ, मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, होता है किसी किसी का। जैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत कम आना चाहते हैं, बट कैसे, हस्बैंड है तो कभी कभार नज़र आ ही जाते हैं। सो यही है, और कुछ है। फिर उनके जाने के बाद में, अभी 10 मिनट में आने वाले हैं, तब तक मैं हलवा गर्म कर देती हूँ। हलवा गर्म कर देती हूँ क्योंकि बनाया है अभी जस्ट, बट कैसे गर्म गर्म ही अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घी डाल के और गर्म कर दूँ उसको मैं। तो फाइनली यही चल रहा है आज मेरा, और इसके बाद से मुझे नहीं लगता अब लंच बनेगा, अब लंच क्या शाम को ही खाना बनेगा। खाने की भी तैयारी कर रखी है मैंने उनकी, अगर वो बोलेंगे तो मैंने सब्जी बना के रखी है, और ये मैं पराठे आटा भी गूंथ के रखा है क्योंकि लंच टाइम ही है, तो अगर वो लोग बोलेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि लंच टाइम पे उनको खाना बना के दे देंगे, पराठे और सब्जी खिला देंगे, और कुछ नहीं है। और मेरे पेट में थोड़ा सा फिर से दर्द होने लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा काम करने लगती हूँ ना, लेकिन डॉक्टर ने बोला एक्टिव रहा करो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करो, तो उसकी वजह से मुझे करना पड़ता है। कृषि को मैंने खिला दिया है हलवा, क्योंकि साफ सुथरा पकौड़े तो मैं खिला नहीं सकती, तो मैंने हलवा कृषि को खिला दिया है। और कुछ भी, और मैं कैसी लग रही हूँ सिंपल सी रूप में पकौड़ी। तो हमारे फाइनली गेस्ट चले गए, और गेस्ट जाने के बाद से जो बचे हुए थे वो मैं पकौड़े बना रही हूँ। किसके हैं ये? अनियन के। ओके, तो ये पकौड़े हैं जो हम अभी खाएंगे, एंड मम्मा ने स्पाइसी चटनी भी बनाई है। स्पाइसी चटनी, मैं मम्मी बोल रही हूँ आप मास्टर शेफ में जाओ, कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सोच रही हूँ मास्टर शेफ में जाऊंगी तो घर पे कौन कौन बनाएगा। काम सो ये हमारे पकौड़े आ गए हैं, डालते हैं। बताइए सच में, बार बार रीटेक लेना पड़ रहा है, इतना एंगल मेरा गलत हो रहा है, पर चटनी बहुत स्पाइसी और चटनी की वजह से पकौड़ों का भी टेस्ट जो है वो इनहेंस हो रहा है। लोग के जाने के बाद से पकौड़े चालू हैं हमारे घर में, बहुत अच्छा बना है।
अच्छा बना है ना? चटनी थोड़ी स्पाइसी है। स्पाइसी ही अच्छी लगती है ना। फाइनली मेरे घर में डिनर बन गया है और डिनर बनी है तहरी, मीन्स यूपी में तहरी बोलते हैं, यहाँ पे मसाला चावल बोलते हैं, पापड़, सैलेड एंड चटनी, ग्रीन चटनी जो मैंने पकौड़े के साथ बनाई है। तो आप लोग टेस्ट करके बताओ कैसा बनाया। अभी बहुत गर्म, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इन लोगों को कैसा लगा पता नहीं। पीयू कॉम्प्लेन डालूं आपके में? मिल्क टाइम। रात को हम खाने के बाद एक ग्लास मिल्क का लेते हैं। मम्मा मिल्क टाइम। एंड आज मैं भी थोड़ा मिल्क पी रही हूँ क्योंकि ये शाम को पी लेती हूँ, आज खाना खाने के बाद से पी रही हूँ। आज मैं थोड़ा मिल्क पी रही हूँ, मींस क्या हुआ, मुझे बहुत कम दे दो, एकदम थोड़ा सा। एक्चुअली शाम को पी लेती है, बट आज मैं पिया नहीं। सर्दी हो गया है क्या? वो रंगीन रंगीन दीवार वाला बट टांग दी हो वो क्यों? क्या टांग दी हूँ? फोटो। हाँ तो ये मेरी है ना, हमारी पूरी फैमिली की फोटो है ना वो। नहीं नहीं तो उसको व्हाइट उसको जो कलर ना हो उस पे करना चाहिए ना। अच्छा हाँ, एक बार सुषमा कुछ तो बता रही थी ना। हाँ मेरे को ध्यान में नहीं है, कुछ तो बोली थी वो, मेरे को ध्यान में आया नहीं। मेरे को बोलती रहती है दीदी अपना सारा दिमाग अपना गंदा कर लिए मतलब जो कलर दीवार है उसको ऐसे छोड़ दे जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसपे अपना। बोल लो बोल लो, ब्लॉगिंग में हो, देखेगी तो सुनाएगी तुमको। ब्लॉगिंग चालू है तुम्हारा, जो बोलोगे सुनेगी तो मारबो करेगी तुमको। सोच समझ के बोलना। नहीं नहीं वो बता रही थी। अब स्टाइल मारने लगे, सोचे कि मेरा वीडियो अब हो रहा है तो स्टाइल मारने लगे। बता रही थी। अच्छा उन लोग ऐसे हैं। ले लो तो फिर वाला जमीन ले लो तुम लोग, देखते हैं। अच्छा अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, अच्छा काम करना है तो मेहनत, उसके लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है।